तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6C कर रहे थे और इस 6C में हम आ चुके थे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि ए एंड बी, ए और पी आपके पास, और आपको वेरीफाई करना है इस रिलेशन को। देखो ये ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही होगा और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी आप बीच में लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस सिंपल आपको इसको प्रूफ करना है। तो बस ये है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, दिमाग ख़राब है क्योंकि बस आपको कैलकुलेशन करनी है इसकी और ये क्वेश्चन बस खामोखा बना रखा है खींचने के लिए, टाइम ख़राब करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन आपको करने हैं सभी। सभी क्वेश्चन करने से होगा क्या, होगा ये कि आपकी जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है उन चीज़ों की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर ए प्लस बी और ए प्लस बी किसके इक्वल दिखाना है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर के। ओके तो आप देखो ए प्लस बी अगर आप करोगे तो कितना आएगा, फिर ए प्लस बी करोगे फिर कितना आएगा, फिर ए स्क्वायर करो, फिर बी स्क्वायर करो, फिर यहाँ पर ए बी की वैल्यू फिर आप पुट कर दो, तब आपको ये इक्वल लगने। तो देखो ए प्लस बी, ए की वैल्यू ये डायरेक्ट कर लें क्या इसे, हम ये प्रूव करना है, प्रूफ करेंगे अगर हम, और अगर हम एल एच एस साइड लेते हैं ये ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये वाली दोनों ए प्लस बी कर लेते हैं। देखो ए प्लस बी करोगे आप डायरेक्ट कर लेते हैं, हम ए प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा, टू और वन थ्री, माइनस वन और ज़ीरो, माइनस वन प्लस कर रहे हैं हम ए और बी को, ज़ीरो माइनस वन, माइनस वन, वन माइनस वन, ज़ीरो। ओके ये आ गया ए प्लस बी, और फिर ए प्लस बी दोबारा यही आएगा हमारा, तो हम क्या कर देंगे इसका स्क्वायर, स्क्वायर करोगे दोनों ही टू इंटू टू के मैट्रिक्स है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी टू इंटू टू की बनेगी हमारी। फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, ए वन वन, अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, थ्री थ्री से नाइन, प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस वन। ठीक है फिर यहाँ पर आ जाते हैं ए वन टू, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, प्लस माइनस वन इंटू ज़ीरो, ज़ीरो। फिर यहाँ पर आ जाते हैं ए टू वन, टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, प्लस ज़ीरो इंटू माइनस वन, ज़ीरो। फिर यहाँ पर आ जाते हैं ए टू टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस वन इंटू माइनस वन, प्लस वन, ज़ीरो इंटू ज़ीरो, ज़ीरो। ओके ये वैल्यू हो जाएगी, तो आंसर कितना आएगा इसका, नाइन और वन टेन, माइनस थ्री प्लस ज़ीरो माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस ज़ीरो माइनस थ्री, और यहाँ पर ये वन। ओके ये वैल्यू आएगी हमारी। फिर अगर हम इसमें करते हैं, अब आर एच एस साइड सोल्व, आर एच एस में ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर करना है। अगर देखो ए स्क्वायर निकालें हम, डायरेक्ट ए स्क्वायर निकाल लेते हैं तो क्या होगा हमारा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, ए की ए में ही, ए है ये हमारा, और ए की ए में ही कर लेंगे, प्लस टू, ए की वैल्यू यही है हमारी टू, माइनस वन, ज़ीरो और वन। ओके ए और बी क्या है हमारा, ये है वन ज़ीरो, यहाँ माइनस वन और यहाँ माइनस वन, ये है। ओके ये आएगी वैल्यू। फिर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा हमारा, बी स्क्वायर होगा, ये बी को बी में ही मल्टीप्लाई करेंगे, और बी क्या है हमारा, ये रहा वन ज़ीरो एंड माइनस वन माइनस वन, फिर यहाँ पर वन ज़ीरो माइनस वन माइनस वन। ओके ये नाउ अब करते हैं इसको सॉल्व, इन दोनों करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो ए वन वन के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो टू इंटू टू फोर, प्लस माइनस वन इंटू ज़ीरो, ज़ीरो। फिर यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए वन टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू, प्लस माइनस वन इंटू वन माइनस वन। ओके नाउ यहाँ पर करेंगे ए टू वन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ज़ीरो इंटू टू ज़ीरो, प्लस वन इंटू ज़ीरो, ज़ीरो। फिर यहाँ पर ए टू टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जीरो इंटू माइनस वन, ज़ीरो, वन इंटू वन, वन, प्लस
अब देखो आपको क्या करना है, ए और बी की मल्टीप्लाई, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर क्या होगा, टू बाहर भी है तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो टू इंटू वन टू, प्लस -1 × -1 प्लस का 1, फिर यहाँ पर आ जाते हैं A12 पर, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 0 0, फिर प्लस -1 × -1 प्लस 1, यहाँ पर आ जाते हैं A21 पर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 1 0, 1 × -1 -1, फिर यहाँ आ जाते हैं A22 पर, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 × 0 0, 1 × -1 -1, ये होगा प्लस। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1, 0 × -1 0, फिर यहाँ पर आ जाते हैं A12 पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 0 0, और 0 × -1 तो भी 0 आ रहा है, -0 का प्लस 0 करो 0 ही आएगा, यहाँ पर आ जाते हैं हम A21 पर, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 -1, फिर प्लस 1 × -1 फिर -1, तो यहाँ पर आ जाते हैं वन और टू ए ए टू टू पर, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 × 0 0, प्लस 1 × -1 -1, ओके ये आएगी वैल्यू। नाउ अब करते हैं इसको सोल्व, 4 + 0 4, -2 - 1 -3 0, यहाँ पर 1 प्लस, पहले इसको 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 3, यहाँ पर 1, यहाँ -1 और -1, ओके नाउ प्लस, यहाँ पर 1 0, और यहाँ पर -1 -1 माइनस का 2, और यहाँ पर माइनस का 1, ये हो गया। नाउ अब क्या करेंगे हम इसमें, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 -3 या 0 1, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जै 6, 2 1 जै 2, 2 1 जै 2 एंड 2 1 जै 2 प्लस, यहाँ पर ये 1 0 माइनस का 2 माइनस का 1, कर लो सभी को प्लस, 4 + 6 10 और 10 + 1 11, 11 आ रहा है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर वेरीफाई कर वहाँ पर जो कर रहे हैं वहाँ तो हमारा कितना आ रहा है, यहाँ तो हमारा कितना आ रहा है 10, तो यहाँ पर भी 10 आना चाहिए, 11 क्यों आ रहा है भाई, मिस्टेक आ रही है इसमें, तो यहाँ पर 4 ही आएगा, रो इन टू कॉलम करेंगे, ठीक है रो इन टू कॉलम किया, ठीक है 4 ही आएगा, 2 2 जै 4, फिर यहाँ पर रो इन टू कॉलम करेंगे, 2 1 जै 2 आएगा, और यहाँ पर आएगा 3 आएगा, ओके फिर प्लस रो इन टू कॉलम करेंगे, 1 × 1 1 आएगा, और 0 थे 1 ही आएगा, हमारा 1 ही आ रहा है, लेकिन इनको प्लस कर रहे हैं तो 10 और 10 + 1 तो 11 आ रहा है, तो इक्वल तो आ ही नहीं रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2AB + B² इक्वल नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आ रहा है ये 11, इसका मीन्स ये इक्वल नहीं आएगा, -3 + 2 यहाँ पर प्लस 0, तो -3 + 2 आएगा माइनस का 1, फिर यहाँ पर 0 + -2 और +-2, मतलब यहाँ भी -2 - 2 आएगा माइनस का 4, यहाँ 1 + -2 और यहाँ पर +-1, मतलब 1 + -2 +-1 तो आएगा हमारा, 1 - 3 आएगा -2 तो आएगा -2, ओके तो इसका मीनिंग ये है कि हमारा एल एच एस और आर एच एस क्या है, इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ पर एल एच एस और आर एच एस नॉट इक्वल है, एल एच एस इज नॉट इक्वल टू होगा आर एच एस, तो ये आइडेंटिटीज़ हमारी यहाँ पर यूज़ नहीं होती हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारी एलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है वो, ओके तो ये इक्वल नहीं होगी। फिर इसमें इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड वाले पार्ट में भी ए और बी गिवन क्या है और आई स्क्वायर की वैल्यू मीन्स आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और वेरीफाई करना है आपको इस रिलेशन को, ओके तो इसको देखते हैं चेक करके कि ये इक्वल आएगा या नहीं, ओके ये आ गया, अब इसको वेरीफाई करते हैं, देखो अगर हम इसका एल एच एस पार्ट देखते हैं, एल एच एस पार्ट है कि ए प्लस बी करना है और उसका करना है होल स्क्वायर, ओके ए प्लस बी करो, इन दोनों को प्लस करोगे आप कितना आएगा, देखो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे अगर हम, 0 0 0 1 और -i, तो ये 1 - i हो जाएगा हमारा, यहाँ 1 और +i, तो ये 1 + i, और यहाँ पर 0 और +0 0, ओके
और इसका करना है स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना मीन्स इसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। आपको 0 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे क्या करना है 1 प्लस आयोटा और यहाँ पर ये 0। इसकी मल्टीप्लाई सेम इसी वैल्यू में करनी है आपको 0 1 माइनस आयोटा यहाँ पर 1 प्लस आयोटा और 0। सोल्व करोगे कितना आएगा, सोल्व कर लो। रो इंटू कॉलम ए 1 1 करेंगे तो रो इंटू कॉलम 0 इंटू 0 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ओके फिर यहाँ पर a12 आएगा। a12 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो 0 इंटू दिस 0 और दिस इंटू 0 0, तो ये 0 आएगा यहाँ पर। ओके फिर यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इंटू 0 0 0 इंटू दिस 0, तो यहाँ पर भी 0। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 प्लस आयोटा और इसकी मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा से और 0 0 0। ओके नाउ अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके ये हो गया हमारा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। नाउ अब आ जाते हैं हम आर एच एस पर। आर एच एस में हमारा क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिखाना है हमें, तो दिखाओ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए ए की ए में मल्टीप्लाई, ए क्या है हमारा 0 1 और 1 0, इसको मल्टीप्लाई करनी है 0। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है लेकिन डायगनल ये वाला दे रखा है इसने, ये वाला डायगनल होता अगर तो इसका ए स्क्वायर भी यही आता सेम। क्या अभी भी ए स्क्वायर सेम आएगा, फिर यहाँ प्लस बी स्क्वायर के लिए 0 माइनस आयोटा, आयोटा और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस आयोटा, आयोटा और 0 की मल्टीप्लाई। ओके कर लो इसको सोल्व। इसको सोल्व करेंगे अगर हम रो इंटू कॉलम 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, फिर फिर यहाँ पर भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 यहाँ 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, फिर यहाँ पर आ जाएंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस, यहाँ पर आ जाते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 0 आयोटा इंटू आयोटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस है पहले से और आयोटा 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 स्क्वायर, क्योंकि हो जाएगा 0 और 0 फिर माइनस में आयोटा स्क्वायर करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर ही बचेगा। ओके इसलिए हमने 0 लिखा ही नहीं। फिर यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आ जाएंगे तो 0 इंटू आयोटा 0, आयोटा इंटू 0 0, तो यहाँ पर 0 आएगा। फिर सेम एज इट इज़ यहाँ पर कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे आयोटा इंटू 0 0 0 इंटू आयोटा 0, तो यहाँ 0। a22 में सेकंड रो सेकंड कॉलम आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर और यहाँ पर तो 0 आएगा, इसलिए सेम ही रहेगा हमारा। नाउ अब इनको सोल्व करेंगे या फिर इनकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं। क्या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है हमें -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा +1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पर पहले से ही क्या है हमारा माइनस साइन है तो ये हो जाएगा +1। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे कितना आ रहा है हमारा, ये 11 1 और 1 2 और यहाँ पर 0 इंटू 0 0, यहाँ 0 इंटू 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 1 2, देखो 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 1 2। ओके अब अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम -1, तो 1 ये माइनस और फिर ये -1। ओके फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0 और यहाँ पर ये 1 माइनस और फिर ये -1, तो फिर तो ये वैल्यू सेम आ रही है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आ रहा है, 0 0 और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो यही वैल्यू यहाँ आ रही है, ये वाली वैल्यू यहाँ आ रही है, इसका मीन्स ये हमारा सही है। ओके ये LHS RHS इसमें क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि ए हमारे पास गिवन है, फाइंड ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो सिंपल इसकी वैल्यू फाइंड करनी कर लेते हैं यहाँ पर।
ए की वैल्यू है ही हमारे पास, यह है ए की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 12 में, ये हमारे पास 4 2, यहाँ पर 1 1। फाइंड क्या करना है, ए माइनस 2 आयोटा और यहाँ पर ए माइनस 3 आयोटा, ओके ये फाइंड करना है। और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बताओ क्या होगा अगर हम फाइंड करेंगे इसे। तो सिंपल ए के प्लेस पर ए, आई के प्लेस पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसमें आइडेंटिटी यूज़ करें कि भाई ए के पहले से मल्टीप्लाई की फिर इसमें, फिर 2 ए के इसमें इसमें, ऐसे भी कर सकते हो आप क्योंकि फिर इतना एक्स्ट्रा भी नहीं करना पड़ेगा अगर हम ऐसे करेंगे तो। जैसे ए इंटू ए कितना हो जाएगा हमारा, अगर इसे हम सोल्व करते हैं डायरेक्ट हो जाएगा, वैसे डायरेक्ट भी सही है। देखो अगर हम क्या करते हैं इसका सोल्व करते हैं सोल्यूशन, ए इंटू माइनस आई और यहाँ पर ए इंटू माइनस 3 आई, तो यहाँ पर ए इंटू ए ए स्क्वायर होगा, ए इंटू ए 3 ए आई, और आई की मल्टीप्लाई करोगे किसी भी मैट्रिक्स में वो सेम रहेगी। और फिर ऐसे यहाँ पर 2 ए आई या माइनस माइनस प्लस 2 3 6, और आई के आई से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आई ही आता है, आई स्क्वायर आई ही आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कितना आएगा, किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वो सेम रहेगा, ऐसे यहाँ पर सेम, और यहाँ पर ये 6i ही रहेगा हमारा, 6i, ओके। अब अगर हम इसे करेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस का 5a प्लस का 6i, ये हो जाएगा। ए स्क्वायर करो फिर माइनस इसको 5a और फिर यहाँ 6a से करो, ऐसे करना पड़ेगा इसको हमें। देखो ऐसे कर लो या फिर ऐसे भी करते हैं तब भी, ऐसे भी इजी रहता है क्योंकि हमें माइनस करने में ज़्यादा क्या होता है बेनिफिट होता है, ज़्यादा ईजी पड़ता है हमें, ऐसे भी कर सकते हो। वैसे ऐसे आई आएगा ना यहाँ पर 6 into i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा। तो ए स्क्वायर फाइंड करो पहले, अगर हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं इसमें क्या आता है, 4 2 1 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो इनटू कॉलम 4 4 16 प्लस 2 1 2 2, फिर यहाँ पर रो इनटू कॉलम 4 2 8 प्लस 2 1 2, यहाँ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 into 4 4 प्लस 1 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 into 2 2 प्लस 1, सोल्व करेंगे 16 प्लस 2 18 और यहाँ 10, यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर ये 3, ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है हमारी 18 10 5 and 3, और ये माइनस 5a, ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी 4 2 1 1, यहाँ प्लस 6i, i की वैल्यू है 1 0 0 1, करो आप 18, फिर यहाँ पर कितना होगा हमारा 5 4 20, 5 2 10, 5 1 5 और 5 1 5, यहाँ प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 6 0 0 6, यहाँ पर 18 माइनस 20 और प्लस 6, फिर 10 माइनस 10 प्लस 0, 5 माइनस 5 प्लस 0, 3 माइनस 5 प्लस 6, ओके ये आ रही है वैल्यू। इसको करेंगे अगर मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, इसमें से माइनस करते हैं, माइनस का 2 प्लस 6 प्लस का 4, यहाँ पर ये 0 आ रहा है, यहाँ पर 5 माइनस 5 0, और यहाँ पर माइनस कर रहे हैं इसे 1 और 3 4 आ रहा है, ओके ये आंसर आ रहा है इसका। आंसर सीट में क्या आंसर दिए हैं, क्या आंसर सीट में है 4004, ठीक है 4004, ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 कॉमन लिया था ऐसे, और ये क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 4 into i, ओके ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या रहा है कि एफ एक्स ये हमारा फंक्शन है और एफ ए ये वाली वैल्यू है, मतलब ए के प्लेस पर आप ये पुट कर सकते हो। अगर आपको फाइंड करना है एफ ए, तो अगर आप एक्स के प्लेस पर ए करते हो तो यहाँ से भी जगह ए करोगे जहाँ पर भी एक्स है, फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंपल है क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 7, एंड यहाँ पर ए की वैल्यू क्या गिवन की है 3
थ्री वन माइनस वन और टू, ओके ये वैल्यू ये बनती है थ्री वन माइनस वन एंड टू। इसको सोल्व कर लेना है हमें। आप अगर एफ ए फाइंड करना चाह रहे हो तो एक्स के प्लेस पर ए करोगे तो ए स्क्वायर या फाइव ए और प्लस सेवन, ए के प्लेस पर ए करेंगे पहले ए स्क्वायर ही फाइंड कर लेते हैं। चलो ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ए की ए में मल्टीप्लाई, ये ए हो गया इसी की इसी में ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। करो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, रो इनटू कॉलम थ्री थ्री से नाइन प्लस वन इंटू वन माइनस वन। फिर यहाँ पर आ जाएंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थ्री इंटू वन थ्री प्लस वन इंटू टू टू, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस थ्री प्लस टू इंटू वाई माइनस वन माइनस टू, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस वन इंटू वन माइनस वन प्लस टू इंटू टू फोर। वैल्यू कितनी आ रही है, नाइन प्लस माइनस माइनस तो ये आएगा एट और थ्री प्लस टू फाइव, या माइनस का थ्री माइनस का टू माइनस का फाइव और या माइनस का वन प्लस फोर प्लस का थ्री, ओके ये ए स्क्वायर हो गया। नाउ इस ए स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, क्या है एट फाइव माइनस फाइव और थ्री माइनस फाइव, ए की वैल्यू थ्री वन माइनस वन एंड टू प्लस सेवन, सेवन के साथ क्या है, सेवन के साथ तो कुछ भी नहीं है, सेवन के साथ हम क्या लेंगे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन ज़ीरो ज़ीरो वन, ओके यहाँ पर हम ले सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि कुछ ना कोई मैट्रिक्स तो हमें लेनी पड़ेगी, हम यहाँ पर वन ले सकते हैं सेवन के साथ मल्टीप्लाई में वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वन मैट्रिक वन माना जाता है, ओके अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एट फाइव माइनस का फाइव और थ्री माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करो, फाइव थ्री से फिफ्टीन, यहाँ पर फाइव ये माइनस का फाइव और फाइव टू से टेन प्लस सेवन से मल्टीप्लाई सेवन ज़ीरो ज़ीरो सेवन। नाउ एट माइनस का फिफ्टीन प्लस का एट माइनस का फिफ्टीन और प्लस का सेवन, तो प्लस का सेवन प्लस का एट, या फिर हम कर लेते हैं डायरेक्ट नहीं करते इतने ज़्यादा तेज़ नहीं चलना चाहिए, तो फाइव माइनस का ये वाला फाइव फिर माइनस ये वाला फाइव और प्लस ज़ीरो, फिर यहाँ पर माइनस फाइव फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है प्लस का ज़ीरो, यहाँ आ जाते हैं थ्री माइनस टेन या प्लस सेवन या एट और सेवन फिफ्टीन, प्लस का फिफ्टीन माइनस का फिफ्टीन ज़ीरो, यहाँ पर ये कैंसिल ये ज़ीरो, यहाँ ये ज़ीरो और यहाँ पर ये ज़ीरो, ओके तो ज़ीरो मैट्रिक्स इसका आंसर आ रहा है एफ ए, आप ज़ीरो भी कह सकते हो यहाँ पर, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है हमारी, चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर है इसका ये हमारा थर्टीन का फर्स्ट, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, तो सेकंड पार्ट में भी आपको यही एफ एक्स दे रखा है, एफ ए फाइंड करना है, एक ही वैल्यू इस बार लंबी छोड़ी दी है, ये थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स दी है, थ्री इंटू थ्री के मैट्रिक्स दी है, इसका स्क्वायर भी फाइंड करना है, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें लेकिन सोल्व भी हो जाएगा, ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो नहीं होगा, किसमें कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, जो जल्दी हो जाते हैं वो अच्छे लगते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता हमें। ये फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनमें टाइम लगेगा ही लगेगा, ए की वैल्यू क्या है टू ज़ीरो वन टू वन थ्री और माइनस वन माइनस वन और ज़ीरो, ओके ये है हमारा टू ज़ीरो वन टू वन थ्री और वन माइनस वन और ज़ीरो, ओके ये है वन माइनस वन और ज़ीरो। अब कर लेते हैं इसको सोल्व, आपको एफ ए फाइंड करना है, फिर एफ ए फाइंड करने के लिए आप एक्स के प्लेस पर ए रखोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का फाइव ए प्लस का सिक्स, ये करना है। नाउ ए फाइंड ये फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर करो पहले फाइंड, तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए चलिए यहाँ पर ही लिख लेते हैं, ए को ए में मल्टीप्लाई करना है आपको, और ए को ए में मल्टीप्लाई करोगे, ए को ए में मल्टीप्लाई करेंगे
आएगी एक 3x3 की मैट्रिक्स, जिसमें ए वन वन होगा, ए वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2x2 4 प्लस 0x2 0 प्लस 1x1 1। फिर यहाँ पर ए वन टू होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2x0 0 प्लस 0x1 0 और 1x-1 -1। फिर आ जाते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2x1 2, 0x3 0 प्लस 1x0 0। फिर आ जाते हैं यहाँ पर ए 2x1 पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2x2 4 प्लस 1x2 2 प्लस 3x1 3। अब आ जाते हैं यहाँ पर ए 2x2 पर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2x0 2 0 प्लस 1x1 1 प्लस 3x-1 -3। फिर आ जाते हैं यहाँ पर ए 2x3 पर 2x1 2 प्लस 1x3 3 प्लस 3x0 0। फिर यहाँ आ जाते हैं ए किस पर, 3x1 पर 1x2 2 -1x2 -2 प्लस 0x1 0। फिर यहाँ पर आ जाते हैं ए 3x2 पर 3x2 1x2 0 0 प्लस 1x-1 -1 प्लस 0x1 0। फिर ए 3x3 पर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1x1 1 प्लस -1x3 -3 प्लस 0x0 0। तो वैल्यू ये आएगी हमारी 4+1 5, यहाँ पर -1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 4 2 6 और 3 9, यहाँ पर ये 1 -3 -2, 2+3 5, 2 -2 0, यहाँ पर ये -1 और यहाँ माइनस का 2, क्योंकि 1 -3 -2, ये आ गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया। तो बस आप देखो यहाँ पर अगर हम एक्स के प्लेस पर रख रहे हैं तो यहाँ आई रख सकते हैं, वही आपको ये वाली वैल्यू अब क्या करनी है, सोल्व कर लेनी है कि ए के प्लेस पे तो आप ये रख लोगे 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे ए की, और ए क्या है 2 0 1 2 1 3 और यहाँ पर 1 -1 और 0 प्लस 6, मल्टीप्लाई करेंगे आई की, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ओके ये करेंगे ना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 और यहाँ पर 5 2 10 माइनस का 10 और ये प्लस का 6, ये -1। फिर यहाँ पर देखो माइनस, ये -5 की 0 से करेंगे तो यहाँ 0 ही आएगा, प्लस की 0 से करेंगे तो 0 से 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पर जाते हैं 2, फिर -5 की 1 से करेंगे तो माइनस का 5, 6 की 0 से करेंगे तो 0, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पर जाते हैं 9, या माइनस का 5 2 10 तो माइनस का 10, 6 × 0 तो 0, यहाँ पर माइनस का 2, माइनस के 5 की 1 से करेंगे तो माइनस का 5, या 6 की 1 से करेंगे तो प्लस का 6। यहाँ पर आ जाते हैं 5, माइनस का 5 × 3 माइनस का 15, वहीं प्लस का 6 × 0 0। यहाँ पर आ जाते हैं 0 और ये माइनस का 5 और प्लस का 6 × 0 0। यहाँ पर आ जाते हैं -1 × -1 × -1 प्लस का 5 प्लस का 6 × 0 0। यहाँ पर आ जाते हैं -2, ये माइनस का 5 × 0 0 प्लस का 6 × 1 प्लस का 6, ये है हमारा। ओके अब करेंगे इसमें हम
5 और 6 11, 11 माइनस 10 1 आएगा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर माइनस का 3 होगा, 9 माइनस 10 माइनस का 1 होगा, यहाँ पर माइनस का 7 और प्लस का 6 फिर भी माइनस का 1 होगा, यहाँ माइनस करेंगे माइनस का 10 होगा, फिर यहाँ पर माइनस का 5, यहाँ प्लस का 4, यहाँ पर प्लस का 4, ये हो गई एफ ए की वैल्यू। ओके, ये वैल्यू हुई है हमारी, तो इसे कर लेते हैं हम एफ ए, चेक कर लेते हैं इसका आंसर सही आया नहीं। 1 माइनस 1 माइनस 3 -1 -1 -10 -5 4 और 4 करेक्ट है ये हमारा, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। तो यह है क्वेश्चन नंबर 13। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड द मैट्रिक्स सच दैट। अब देखो ये क्या कह रहा है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, आगे हम सीखेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। देखो हमने इसमें एडिशन सीखा, सब्सट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लीकेशन सीखा, क्या हमने डिवाइड सीखा? नहीं। तो देखो डिवाइड कैसे करते हैं इसमें, अगर लेट कर लेते हैं, हमें ये वाली मैट्रिक्स फाइंड करनी है और ये वाली मैट्रिक्स हम डिवाइड में लेके आ जाएं, तो क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, हम इसमें डिवाइड कभी नहीं करते इस वाले में। तो हम क्या करते हैं, जो भी नीचे वाली वैल्यू आती है उसे ऊपर लेके आ जाते हैं, तो उसकी पावर -1 हो जाती है, तो उसी का हम इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं आगे हम सीखेंगे कि हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करके एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। ओके, लेकिन ये विदाउट इनवर्स फाइंड किए आपको इस मैट्रिक्स की वैल्यू बतानी, तो सिंपल हम क्या कर देंगे इसमें, ये मल्टीप्लाई कर देंगे और कंपेयर कर लेंगे वैल्यू को। देखो जैसे देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा, और ये है मैट्रिक्स 5 -7 -2 एंड ये यहाँ पर है 3। ओके, और फिर मैट्रिक्स हमारी एक्स वाई और जेड यू, यहाँ पर इक्वल्स टू में क्या आएगा, -16 और यहाँ माइनस का 6, यहाँ पर ये 7 और यहाँ पर ये 2। ओके, ये -16 माइनस का 6 7 और 2, 5 -7 -2 3 एक्स वाई जेड यू। अब आप करो इसमें, ये है, करो इसको सॉल्व। क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, कैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई आपको आती है, ये भी 2 × 2, ये भी 2 × 2, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2 × 2 आएगी। मल्टीप्लाई करेंगे A11 फाइंड करने के लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 × x 5x, बीच में आएगा प्लस लेकिन यहाँ माइनस साइन आ रहा, तो माइनस का 7z। ओके, इसके लिए A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 5y और यहाँ माइनस का 7u। यहाँ पर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का 2x और यहाँ पर 3 × z प्लस का 3z। यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस का 2y और यहाँ पर ये 3u इक्वल्स टू में माइनस का 16 और माइनस का 6, यहाँ पर ये 7 और यहाँ पर ये 2, ये वैल्यू आएगी। नाउ अब इन दोनों का इक्वल रखेंगे, यहाँ पर 5x -7z किसके इक्वल, -16 के इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 5y माइनस का 7u किसके इक्वल, -6 के इक्वल, ये इक्वेशन सेकेंड। एक इक्वेशन ये आएगी माइनस का 2x प्लस का 3z किसके इक्वल, 7 के इक्वल, इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देते हैं, एंड ये माइनस का 2y और प्लस का 3u इक्वल्स टू में क्या, 2। अब देखो सेम वेरिएबल वाली इक्वेशंस, जैसे एक्स जेड और एक्स जेड, ये दोनों सेम वेरिएबल में YU और YU, तो आप इन्हें साइमल्टेनियसली यूज़ कर सॉल्व कर सकते हैं कैसे, या तो आप एक्स को सेम करो या जेड को। एक्स को सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम आ रहा है 10, तो आपको इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें 5 की, तो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और ऐड कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर थर्ड को। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10x -27 14z और 2 से करेंगे तो 32, 16 × 2 = 32, फिर यहाँ पर 5 से करेंगे तो माइनस का 5 × 2 = 10x 5 3 = 15z 5 7 = 35। ओके, दोनों को ऐड किया कैंसिल, प्लस माइनस माइनस ये हो गया जेड, यहाँ करेंगे तो 3। ओके, जेड की वैल्यू 3, जेड की वैल्यू 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कर सकते हैं या सेकंड से, तो थर्ड से इक्वेशन नंबर अगर हम फर्स्ट से करेंगे, 5x -7z है, जेड की जगह रखेंगे 3, ये इक्वेशन है फर्स्ट हमारी, जेड की जगह पर हमने क्या रखा, 3, जेड की जगह पर 3 रखेंगे, माइनस में इक्वल्स टू में -16 है,
यहाँ पर ये 5x, ये माइनस का 21, माइनस का 16, माइनस का 21 इधर आकर प्लस का 21, माइनस का 16, तो ये 5x, ये करेंगे हम कितना आएगा 4 और 1 5, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, x की वैल्यू 1 आ गई, z की वैल्यू 3। सिमिलरली हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, जैसे इन दोनों को सेम कर लो फिर वही कि 2 की मल्टीप्लाई करो सेकेंड इक्वेशन में और प्लस करो इसे 5 की मल्टीप्लाई करके फोर्थ इक्वेशन में। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 वाई, प्लस 2 7 ज़ा 14 यू, और 2 6 ज़ा माइनस का 12। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 2 ज़ा 10 वाई, 5 3 ज़ा 15 यू, और यहाँ पर 5 2 ज़ा 10। इनको कैंसिल करेंगे, कैंसिल ये कितना जाएगा 30, तो ये 29 यू। इन दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस का 2 यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 डिवाइड बाय 29। ये आ रही है यू की वैल्यू, बड़ी अजीब सी आ रही है भाई यू की वैल्यू। ये सब चीज़ें सही की है ना हमने, 5 से मल्टीप्लाई किया था ना, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, करेक्ट है, सभी चीज़ें बढ़िया अच्छे तरीके से आ रही हैं। यही आएगा यू की वैल्यू, ये आ गई। तो फिर वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखो वाई की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से भी कर सकते हो, फोर्थ से भी कर सकते हो। तो फोर्थ से करते रहते हैं, फोर्थ से करते हैं, क्या आएगा, माइनस का 2y प्लस 3, और यू की वैल्यू ये आ रही है माइनस का 2 अपॉन 29, और इक्वल्स टू में कितना है 2। देखो ये जो वैल्यू ना ये गलत आ रही है हमारी, क्यों, देखो यहाँ पर था माइनस साइन और हमने प्लस बना दिया, इसलिए गलत आ रहा था, हमें लग ही रहा था ऐसी वैल्यू गलत आ रही है ये वाली। तो ये कितना आ रहा था हमारा प्लस का यू, तो यू की वैल्यू आ रही है ओनली -2, तो यू की वैल्यू ओनली -2 रखते हैं। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2y, माइनस का 6 इक्वल्स टू 2, माइनस का 2y, माइनस का 6 इधर रखकर प्लस का 6 हो जाएगा, तो प्लस का 8, और वाई की वैल्यू आएगी -4। तो वाई की वैल्यू -4 आ रही है और यू की वैल्यू -2, और जो हमारी मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये हमारा एक्स वाई जेड यू है, इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स की वैल्यू है 1, और वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू -4, जेड की वैल्यू 3, और यू की वैल्यू -2। ओके, ये वैल्यू आ रही है हमारी। यह है क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट देखते हैं 14 का। सेकेंड पार्ट में कि विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट इनवर्स, बिल्कुल सेम है, एक्स एक मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 ऑर्डर है, सेम ऐसे ही करना है हमें, बस एक्स की जगह जैसे मैट्रिक्स है हमारी, एक्स की जगह आप ये मैट्रिक्स ले सकते हो या फिर कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, 4 एलिमेंट्स होंगे इसके, इसी तरीके से सोल्व बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, ये हमारा ऐसे ही ये हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट हुआ है। तो सेकेंड वाले में अगर हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं, हम क्वेश्चन क्या होगा हमारा 14 का सेकेंड पार्ट, ये है 5 4 1 और 1 इंटू में एक्स किसके इक्वल, 1 -2 1 एंड 3। ओके, वेयर एक्स एक 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो आप इसे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ले लो, कैसे, 5 4 1 1, आप इसके एलिमेंट्स लेट कर लो, एक्स वाई एम एन लेट कर लो यहाँ पर, इक्वल्स टू में 1 -2 1 और 3। सोल्व कर लो इसे, रो इनटू कॉलम करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू x 5x प्लस 4 इंटू m 4m, तो यहाँ पर आ जाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 इंटू y 5y 4 इंटू n 4n, यहाँ पर आ जाओ, सेकंड रो सेकंड को सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 8 2 1 होगा ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू x x 1 इंटू m m, यहाँ पर 8 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू y y, और 1 इंटू n n, यहाँ पर ये 1 -2, यहाँ पर 1 और 3। ओके, नाउ अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशंस कंपेयर करेंगे, तो 5x प्लस 4m इक्वल्स टू 1 आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं इसे हम, और ये 5y प्लस 4n इक्वल्स टू -2 कर लेते हैं, यह है इक्वेशन सेकंड। फिर यहाँ पर ये x प्लस m
इक्वल्स टू वन आ रहा है, इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देते हैं इसे, एंड वाई प्लस एन इक्वल्स टू आ रहा है थ्री, इक्वेशन नंबर फोर्थ बोलते हैं। इनको सोल्व करो आप, तो इनको सोल्व करेंगे आप इसको सेम बना लो या इसको ही, देखो या तो इसमें फोर की मल्टीप्लाई कर लो एम सेम हो जाएगा, या फिर एक्स की फाइव की मल्टीप्लाई कर लो एक्स सेम हो जाएगा। तो अगर हम करते हैं फोर की मल्टीप्लाई किस में, थर्ड इक्वेशन में, और फर्स्ट में से इसे माइनस कर देते हैं, माइनस इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ करेंगे फोर एक्स प्लस फोर एम, और यहाँ पर फोर माइनस कर रहे हैं, नीचे रख रहे हैं ये वाली इक्वेशन, किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर कितना आने वाला है, हमारा आंसर आएगा अगर माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ पर आएगा माइनस का एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का थ्री, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस की थ्री, ये माइनस साइन इधर, एंड एक्स की वैल्यू आ गई। तो आप एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हो किसी भी इक्वेशन पुट करके, फर्स्ट में थर्ड में। तो अगर हम इक्वेशन नंबर थर्ड से देखते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर थर्ड, तो यहाँ पर है एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री प्लस एम इक्वल्स टू में वन, एम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस थ्री जाकर प्लस का थ्री हो जाएगा, तो हो जाएगा फोर, एम की वैल्यू फोर हो गई, एन की एक्स की वैल्यू होगी माइनस थ्री। नाउ अब ऐसे ही इसमें आ जाते हैं हम, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं आप, फाइव की मल्टीप्लाई कर लो इसमें, या फोर की कर लो, किसी की भी कर सकते हो। तो आप सेकेंड इक्वेशन में से क्या करोगे, माइनस फोर्थ इक्वेशन, इसमें फाइव की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप फाइव की कर लो, तो ये ऊपर सेकेंड वाली सेम रही इक्वेशन हमारी, इसमें फाइव की मल्टीप्लाई करोगे तो फाइव वाई प्लस फाइव एन, फाइव थ्री या फिफ्टीन, फोर की भी कर सकते थे, एन सेम हो जाता, फिर एन कैंसिल हो जाता, अब इस बार वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का एन, यहाँ पर माइनस 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 का सेवनटीन, माइनस से माइनस एन की वैल्यू सेवनटीन, एन की वैल्यू सेवनटीन। तो आप इक्वेशन नंबर सेकेंड या फोर्थ में से किसी में भी पुट कर लो। तो अगर हम इक्वेशन नंबर फोर्थ से करते हैं, क्योंकि सिंपल इक्वेशन है वाई प्लस एन इक्वल्स टू थ्री, तो वाई एन की वैल्यू सेवनटीन इक्वल्स टू थ्री, वाई इज इक्वल्स टू थ्री माइनस सेवनटीन, और वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का फोर्टीन, तो वाई क्या हो गया हमारा, माइनस का फोर्टीन हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी माइनस थ्री, वाई की वैल्यू क्या है हमारी माइनस फोर्टीन, और एम की वैल्यू क्या है हमारी फोर, और एन की वैल्यू क्या है हमारी सेवनटीन, ये आ रही है वैल्यू। चेक कर लेते हैं इसमें आंसर हमारा क्या आ रहा है इसका, फोर्टीन का, तो फोर्टीन का सेकेंड पार्ट है माइनस थ्री माइनस फोर्टीन, फोर और सेवनटीन, करेक्ट है, ये आ रहा है इसका सेकंड पार्ट। तो इस टाइप से करना है आपको ये, विदाउट यूजिंग इनवर्स, ठीक है, विदाउट कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने इनवर्स नहीं फाइंड किया, डायरेक्ट इसको कर लिया है मल्टीप्लाई का यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कह रहा है कि ए और बी ए गिवन है, आपको शो करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल होगा। तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, बस काफ़ी एक लेंथी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है आपको इसको, और इसको ये दिखाना है हमें, ओके, इसको बस ध्यान से करना है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो दिमाग हो जाएगा बिल्कुल खराब। अगर हम इसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि बस इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले अगर हम ए स्क्वायर ही फाइंड कर लेते हैं, इससे ए की वैल्यू है ये माइनस वन वन ज़ीरो, और थ्री माइनस थ्री और थ्री, यहाँ पर फाइव माइनस फाइव और फाइव, इसको मल्टीप्लाई करो इसी से ही, माइनस वन वन और ज़ीरो, थ्री माइनस थ्री और थ्री, फाइव माइनस फाइव और फाइव, ओके, करो इसको सेम मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, माइनस वन प्लस वन प्लस वन इंटू थ्री थ्री प्लस ज़ीरो इंटू फाइव ज़ीरो, यहाँ पर आ जाओ आप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस वन इंटू वन माइनस वन, वन इंटू माइनस थ्री माइनस का थ्री, ज़ीरो इंटू फाइव ज़ीरो, यहाँ पर आ जाएंगे हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वन माइनस वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, वन इंटू थ्री प्लस का थ्री हो गया, ज़ीरो इंटू फाइव ज़ीरो,
यहाँ पर आ जाओ आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × −1 −3, फिर −3 × सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है ना, तो −3 × −3 प्लस का 9, 3 × 5 माइनस का 15। देखो मिस्टेक हो गई इसमें, कैसे हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं, 3 × −1 −3, फिर ये −3 की −3 में करते तो माइनस का 9 आता है यहाँ पर, और फिर 3 की 15 में करते तो प्लस का 15 आता। अब है ये a22, तो अब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 × 1 = 3, −3 − 3 प्लस का 9, 3 × 5 माइनस का 15, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 × 0 = 0, −3 × 3 माइनस का 9, 3 × 5 प्लस का 15। नाउ अब इस पर आ जाते हैं हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 × −1 माइनस का 5, −5 प्लस 3 माइनस का 15, 5 × 5 प्लस का 25। यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम पर, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये क्योंकि ये 3 2 है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 5 × 1 = 5, −5 और −3 प्लस का 15, 5 × 3 = 15 और 5 × 5 माइनस का 25। फिर यहाँ पर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5 × 0 = 0, −5 × 3 माइनस का 15, 5 × 5 प्लस का 25। ये है, सोल्व करो इसको, क्या होगा ये। वन इंटू थ्री फोर, यहाँ माइनस का 4 और यहाँ 3, −3 और माइनस का 9, माइनस का 12 और माइनस के 12 में से 15 में से माइनस का 12 माइनस करोगे प्लस का 3 आएगा, क्योंकि 15 − 12 = 3। यहाँ पर आ रहा है 12, 12 − 15 इस बार तो माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 15 ग्रेटर है। यहाँ पर −9 + 15 तो 15 − 9 आ रहा है प्लस का 6, फिर यहाँ पर माइनस का 20 है प्लस का 25 है प्लस का 5, यहाँ पर 20 − 25 ये कितना आएगा माइनस का 5, और यहाँ पर कितना आएगा अगर हम माइनस करेंगे इसको तो ये आएगा 10। ओके ये आएगी वैल्यू ए स्क्वायर की, ये ए स्क्वायर आ गया। ऐसे ही आप बी स्क्वायर फाइंड करो और देखो, बस मिस्टेक ना हो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस ये देखना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या, 1 × 1 = 1 प्लस का 1, 1 × 3 = 3 और ये 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या, −1 × 1 − 1, 1 × −3 − 3 = 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या, −1 × 0 = 0, 1 × 3 = 3 0 × 5 = 0, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम किया, 3 × −1 − 3 −3 × 3 माइनस का 9, 3 × 5 = 15, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम किया, 3 × 1 = 3 −3 − 3 प्लस का 9 और 3 × 5 = 15 माइनस का। ओके फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम में 3 × 0 = 0, 3 × 3 माइनस का 9, 3 × 5 = 15, फिर यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 × −1 माइनस का 5, −5 × 3 − 15, 5 × 5 = 25, फिर यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 5 × 1 = 5 और −5 × 3 = 15, 15 × 5 = 25 माइनस का 25, 5 × 5 = −25, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5 × 0 = 0, 5 × 3 माइनस का 15, 5 × 5 = 25। कर लो इसको सोल्व, ये 4 आया माइनस का 4 आया, 3 आया −12 में प्लस का 3, यहाँ पर माइनस का 3 और यहाँ पर 6, यहाँ पर ये 25 और ये 20 प्लस का 25, और यहाँ पर आया माइनस का 5 और यहाँ पर आया माइनस प्लस का 10। ओके बी स्क्वायर फाइंड करो, अब देखो बी स्क्वायर भी फाइंड करना है हमें, इसमें बी की वैल्यू क्या है, ये है 0 − 4 = 3 और 1 − 3 और −3 और है −1 = 4 और 4, 0 − 4 = 3, 1 − −3 − 3 −1 = 4 और 4, यहाँ पर 0 − 4 = 3, 1 − 3 और −3, यहाँ पर −1 = 4 और 4। ये है, करो इसको सोल्व, कितना आएगा, रो इंटू कॉलम, 0 × 0 = 0, 4 × 1 प्लस का 4 और 3 × −1 − 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 × 4 = 0, 4 × 3 माइनस का 12
और 3 इंटू 4 प्लस का 12। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 3 0, फिर 4 इंटू 3 माइनस का 12, 3 इंटू 4 प्लस का 12। सेम ही एलिमेंट है क्या इसमें? ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 3, माइनस का 3 इंटू प्लस का 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 4 4, माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस का 3 इंटू 4 माइनस का 12। सॉरी यहाँ पर गलत मिस्टेक हो गई, थर्ड रो थर्ड कॉलम किया ना 1 इंटू 4 4 और माइनस का 3 प्लस का 9 होगा, तो माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम करेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्योंकि ये 8 2 3 है, तो 1 इंटू 3 3, माइनस माइनस प्लस का 9, और ये माइनस और ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, 3 4 से 12 माइनस का 12। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे माइनस 1 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 प्लस का 4, 4 इंटू माइनस 1 माइनस का 4। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, और 4 4 से 16 प्लस का 16। यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 4 इंटू 3 माइनस का 12, 4 इंटू 4 प्लस का 16। 4 माइनस 1 1, यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 4 प्लस 4 4 प्लस 9 13 माइनस 12 1, यहाँ पर ये 12 माइनस 12 माइनस 12 0, यहाँ पर ये 4 माइनस 4 0, यहाँ पर माइनस का 16 प्लस का 16 0, और यहाँ पर माइनस का 15 प्लस का 16 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो ये बी स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, इसीलिए ही हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। कैसे हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल, ए स्क्वायर के। अगर इसमें हम एल एच एस पार्ट लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो ए की वैल्यू ये है, ए स्क्वायर ये है, तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसी की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा सेम वैल्यू आएगी, करके देख लो आप, हमेशा क्या आएगी सेम वैल्यू आएगी। इसलिए 4 माइनस 4 3, 3 माइनस 3 6, 5 माइनस 5 10। तो अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से यूनिट मैट्रिक्स से क्या कर रहे हो, तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम मैट्रिक्स आती है ये जो हमारी मेन मैट्रिक्स है, 4 माइनस 4 3, 3 माइनस 3 6, या 5 5 माइनस 5 और माइनस 10। ओके, ये होगा हमारा सेम, और यही हमारा किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के। तो ये इसकी वैल्यू भी आ रही है और ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ रही है हमारी सेम, 4 माइनस 4 3, 3 माइनस 3 6, और 5 माइनस 5 माइनस 10। ओके, ये वैल्यू आ रही है हमारी, सिंपल हो गया प्रूफ एल एच एस आर एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम, क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा, कह रहा है कि ए ये है और आपको फाइंड करना पहले इसको, और फिर कह रहा है यूज़ दिस रिजल्ट कैलकुलेट ए क्यूब। देखो इस रिजल्ट का यूज़ करके आपको ए क्यूब फाइंड करना है, कैसे करेंगे इस रिजल्ट का यूज़ हम? देखो अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, क्या ए ए मैट्रिक्स है 2 3 माइनस 1 इंटू 2, ओके फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 7 आई, ए की वैल्यू या फिर ए स्क्वायर की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे हम। ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ 2 3 माइनस 1 इंटू 2 में क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 3 माइनस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लो, रो इंटू कॉलम 2 2 जा 4, फिर 3 वन जा 3 माइनस का 3। फिर यहाँ पर ए 1 2 करके फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, फिर यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2, और माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2। ओके, फिर सेकेंड और सेकेंड कॉलम माइनस 3 2 इंटू 2 प्लस का 4, वैल्यू क्या आ रही है 1
यहाँ पर 12 माइनस का 4, यहाँ पर ये 1। सोल्व करेंगे इसको अब हम सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को यहाँ यूज़ करते हैं। अगर हम 112 माइनस 4 और 1 माइनस 4, एक ही वैल्यू 2 3 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 7, आई की वैल्यू 1 इंटू 0 0 इंटू 1। इसको सोल्व कर लो, 1 माइनस 4 टू ज़ 8 प्लस का 7, यहाँ आ जाते हैं 12 माइनस का 4 थ्री ज़ 12 प्लस का 7 इंटू 0 0, फिर यहाँ पर माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 4 एंड प्लस का 7 इंटू 0 0। यहाँ पर आ जाते हैं अब हम फर्स्ट वाले में किए ना सबसे मल्टीप्लाई, सेकेंड वाले में 1 माइनस 4 टू ज़ 8 एंड 7 वन ज़ 7, ये वैल्यू आ रही है हमारी। ये आ रहा है 1 माइनस 8, यहाँ पर कितना आ रहा है प्लस का 8 माइनस का 8 0, यहाँ ये 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी ये 0 आना चाहिए, तो 0 मैट्रिक्स आ रही है। तो अगर इसकी वैल्यू आ रही है 0 मैट्रिक्स, और हमें करना है इसका यूज़ करके क्या फाइंड, 7i 0 मैट्रिक्स आ रही है, इसका यूज़ करके ए क्यूब फाइंड करना है, तो क्या कर सकते हैं बताओ। देखो इसको यूज़ करके ए क्यूब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप बोथ साइड ए की मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे होगा क्या, ये तो 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो 0 ही आंसर। तो यहाँ पर आएगा ए क्यूब, यहाँ पर होगा 4a², यहाँ पर होगा 7ai फर्स्ट में 0। ए स्क्वायर की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो 4a² और ए इंटू आई ए ही होता है, तो माइनस का 7a। ओके, अब यहाँ पर 4 कर लो या फिर इसमें से ए कॉमन भी ले सकते हो। 4a² की वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, 112 माइनस 4 और 1। ओके, ये है हमारी डायरेक्ट a² की वैल्यू, ये थी जो हमने यहाँ फाइंड की थी। नाउ -7a, ए की वैल्यू क्या है हमारी 2 3 -1 इंटू 2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 12 से करेंगे तो 48, 4 4 जो 16 और 4 1 जो 4, माइनस 7 2 जो 14 और 7 3 जो 21, 7 1 जो 7 और माइनस का, यहाँ माइनस के आना चाहिए वैसे, 7 × -1 -7, यहाँ पर आना चाहिए 7 × 2 प्लस का 14, माइनस साइन तो हमारा बाहर है। ओके, क्योंकि हम 7 × -1 कर रहे थे तो -7, 7 × 2 करेंगे तो 14। नाउ इनको क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे 4 − 14, तो प्लस माइनस जो भी कर रहे हैं हम, 4 − 14 कितना होगा, 4 − 14 होगा हमारा 10, 48 माइनस 21 यहाँ पर 61, माइनस और माइनस 7 यहाँ पर 4 − 14। सोल्व कर लेते हैं, 4 − 14 -10, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस तो कितना आएगा 23, और इन दोनों में माइनस होगा तो ये कितना होगा 10। ओके, ये आ रही है ए क्यूब की वैल्यू, तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं ए क्यूब की वैल्यू सही है या नहीं। तो ये वाली वैल्यू में मिस्टेक है, इनमें माइनस कर रहे थे 7 आएगा 27, लेकिन यहाँ पर वैल्यू हमारी आ रही है क्या -9, कैसे आएगी -9, कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रहा माइनस, क्या आ जाए इसका 9 आ जाए, बताओ -9 आ जाएगा नहीं। 16 अगर इसे माइनस कर देते तभी माइनस आ रहा होता। अच्छा, यहाँ माइनस का 4 है क्या इसमें, हाँ ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 है तो माइनस का 16 होगा फिर, तो ठीक है माइनस का 16 होगा, तो यहाँ -16, तो यहाँ प्लस का कितना आएगा हमारा 7, प्लस का 7 माइनस का 16 कितना आएगा, माइनस में 11, तो
ना सर, हमारे इसमें 9 आ रहा है ना। अच्छा, 7 माइनस करेंगे तो 11 नहीं आएगा, 9 आएगा। ओके, तो ये आएगा माइनस में 9, तो ये आ गया -9 -10 -20 -10 और ये 27। ओके, ये है 9, इसका आंसर ये है कि यहाँ पर तो आ रहा है -10, यहाँ आ रहा है 27, यहाँ आ रहा है प्लस माइनस माइनस 9, वो भी माइनस का, भी माइनस का 16 ग्रेटर था, यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस में 10। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो ये 16 क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही सेम आगे के क्वेश्चन हैं इसमें, अभी के लिए इतना रखते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, ये हमारे लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ी हेल्प होगी। अगर हमने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमें हेल्प करें। हेल्प करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी जो हमारे लेटेस्ट लेक्चर्स होंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।